अरे यार कुछ आज विधायक इनके पिताजी का देहांत हुआ, उसमें आना पड़ा। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। विधायक ने जो कोशिश कर सकते थे इलाज के लिए की कोशिश, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, इसके लिए हम सभी दुखी हैं। सदन का सत्र अब अगला होगा बजट का, जो उत्तर प्रदेश का सदन है। हम तो चलाना चाहते थे और सदन चलता भी, तो सरकार के ऊपर जो आरोप लगता है कि सरकार सदन चलाने के पक्ष में नहीं थी, सरकार सदन चलानी थी। हालांकि अब बजट सत्र आएगा, ये लोकतंत्र में जनता को मौका मिलता है आकलन करने का। समाजवादी सरकार जो जो काम कर रही है वो जनता के सामने है। सरकार में बैठे हुए लोग और हमारे संगठन के लोगों की जिम्मेदारी है कि तमाम कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं और जो जो योजनाएं चलनी है उनको जनता तक बताने का भी काम करें। और केंद्र सरकार जब बनी है, 6 महीने पूरे हुए हैं, मैं समझता हूं अभी समय बहुत है और जनता ने बहुमत भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले समय में क्या गरीब किसान के लिए होगा वो आकलन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो घोषणा पत्र में नहीं थे, घोषणा पत्र के अलावा थे। और सरकार बनने के बाद वो तमाम सवाल ऐसे आए हैं जिनसे जनता में नहीं कहा गया और न घोषणा पत्र में था। मान लीजिए सफाई का है, अच्छी बात है सफाई हो, लेकिन झाड़ू लगाना ये घोषणा पत्र में नहीं था।